इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने शनिवार को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका लगाया। इसराइल के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने वाले इसराइल के पहले व्यक्ति हैं। इसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर दिखाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता कार्यकर्ताओं का अभी तो टीएमसी को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। विधानसभा चुनाव आते आते राज्य में ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। भारत चीन सीमा विवाद पर पिछले 8 महीनों से जारी विवाद को खत्म करने के लिए WMCC की 20वीं बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 8 महीने से जारी सीमा विवाद को सुलझाने पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पर माथा टेका। यहां पर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अचानक तय हुआ, जिसमें पीएम मोदी बिना सिक्योरिटी के गुरुद्वारे में माथा टेका। कश्मीर और हिमाचल में हुई बर्फबारी का सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब के अमृतसर में ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं दिल्ली NCR में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है। शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं, संघर्ष नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल आने के बाद वायुसेना में विश्वास बढ़ा है। शनिवार को अयोध्या के धमीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन लॉन्च हो गया है। बता दें कि इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मस्जिद का डिजाइन लॉन्च किया है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोटिल हो गए हैं। उनके दाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलने पर असमंजस बना हुआ है। द कपिल शर्मा शो के बिहाइंड द सीन्स वीडियोज के साथ कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर फैंस से रूबरू होंगे। कपिल ने बिहाइंड द जोक्स विद कपिल के माध्यम से सेट के पीछे कॉमेडियंस की मस्ती से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। उनका कहना है कि पैंडेमिक के दौर में भारत में रिकॉर्ड FDI आया है।